गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सुबह का वक्त है। इस टाइम मैं अपनी छत पर खड़ा हुआ हूँ। कल जो मैंने व्लॉग डाला था आपने देखा ही होगा कि इस टाइम धूप निकल रही थी और हल्की हल्की घटा यानी हल्के हल्के बादल आ रहे थे, लेकिन इस टाइम मौसम बिल्कुल चेंज है क्योंकि रात भर बारिश हुई है और पूरे आसमान में घटा है इस टाइम, और अभी भी बहुत हल्की हल्की सी बारीक बारीक सी बूंदें हो रही हैं, बारिश हो रही है, और आप देख सकते हैं पूरी छत गीली है। ये देखिए, और जो ये पूरा रूट है एरोप्लेन का, फ्लाइट्स वगैरह का जो इधर से जाती हैं, तो वो अभी शायद नहीं दिखाई दें क्योंकि बादल इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन हर 2 मिनट बाद यहाँ से जाते रहते हैं क्योंकि ये एरोप्लेन का रूट है पूरा का पूरा इधर से जाने का। तो मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और आप ये देखिए इधर सामने वाला जो एरिया है, पीछे गुड़गांव है, और ये सामने वाला जो है वो एरो सिटी है, और दाएं और बाएं दोनों साइड से आप ट्रैफिक का मूवमेंट देख रहे हैं, जो ऊपर से छोटी छोटी कार वगैरह और गाड़ी वगैरह जा रही हैं। ये देखिए प्लेन की आवाज़, एरोप्लेन की, लेकिन दिखाई नहीं देने का सब क्योंकि बादल हैं, बस सिर्फ आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो इस टाइम बहुत ठंडी हवा चल रही है, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे क्योंकि मैं थोड़ी सी जो फील कर रहा हूँ वो ठंड वाली फील कर रहा हूँ, और मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बादल ही बादल हैं, बारिश होके ख़त्म हो चुकी, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर में फिर आए। नई बिल्डिंग बन रही है अभी, ये वाली भी नई बनी है, तो बस मैंने कहा चलो आपको रोज़ाना इसी तरह दिखाया करूँगा, और बस थोड़ी बहुत देर में नहा धोकर तैयार होता हूँ, नाश्ता करता हूँ और ऑफ़िस के लिए निकलूँगा। टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ, सुबह के शायद 8:30 या 9 बज रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, और इस बिल्डिंग पे देखिए कितने सारी पानी की टंकी रखी हुई है लाइन से। और अपने तिरंगे को आप देख सकते हैं किस तरह शान से लहरा रहा है हवा में। दूसरे प्लेन ये फिर यहीं से गुजर के जा रहा है, लेकिन सिर्फ आपको आवाज़ आएगी क्योंकि बादल इतने ज़्यादा हैं, घटा इतनी ज़्यादा हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धूप निकलेगी फिर उसके बाद यहाँ से बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई देती हैं, सारी चीज़ें इट मीन्स मतलब जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह यहाँ से जाते हैं हर 1-1.5 मिनट पे जाता रहता है, तो बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ एरो सिटी। ये देखिए इस टाइम आपको यहाँ से सारी गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही होंगी, और उसके पीछे जो ये वाली बिल्डिंग है ये सब एरो सिटी है, ये होटल्स वगैरह हैं, और जब एयरपोर्ट जाते हैं टर्मिनल 3 तो उस वाले रूट पर पड़ता है ये, मतलब इसके सामने से निकल के जाना पड़ता है।
देखिए मैं मिलता हूँ फिर आपसे जब ऑफिस जाऊँगा उस टाइम कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और अगर मैं ज़्यादा देर तक यहाँ रुका तो फिर भीग जाऊँगा। तो मैं बस ऑफिस के लिए तैयारी करूँगा थोड़ी देर में निकलने के लिए। तो पहले सबसे पहले नीचे जाकर नहाता हूँ, नहाने के बाद नाश्ता वगैरह करूँगा, ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा, फिर ऑफिस निकलूँगा। तो अपडेट्स जो भी होंगी रास्ते की वो आपको देता जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी घर से ऑफिस के लिए। और आप सड़क की हालत देख सकते हैं क्योंकि रात भर बारिश हुई और अभी थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई थी और ख़त्म हो गई, बंद हो गई यानी। और थोड़ी थोड़ी स्लश है, कीचड़ है सड़क पर। अंदर की मार्केट्स वगैरह सब खुली हुई हैं। आप ये देख सकते हैं, बस मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ अभी और जा रहा हूँ मेन रोड पर और वहाँ से अपने कलीग के साथ निकलूँगा। चलिए मेन रोड पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ के थोड़े से नज़ारे देखते हैं कि आज थोड़ा बहुत चेंजेस है या नहीं। चेंजेस तो दिखाई दे रहे हैं, जैसा कल था वैसा ही आज है। और बारिश की वजह से सारी सड़कें वगैरह जो हैं वो गीली हैं। देखिए आप इधर, कल मैं यहीं से निकल के गया था तो थोड़ा सा ट्रैफिक है आज कल के मुकाबले ज़्यादा, या रेड लाइट की वजह से है, क्योंकि रेड लाइट पर बस ट्रैफिक वगैरह है बहुत ज़्यादा, गाड़ी वगैरह खड़ी हुई हैं। और आप ये देखिए, MCDA ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है यहाँ पर, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये रेलिंग वगैरह लगाई है, ये पत्थर वगैरह का काम किया है और अंदर प्लांट्स वगैरह भी लगाए हैं। तो सारा जितना भी यहाँ पर काम हुआ है ये G20 की वजह से हुआ है। और मैं जा रहा हूँ फ्लाईओवर की तरफ, यानी फ्लाईओवर के नीचे। ये देखिए यार, ये जगह जगह से पानी जो है टपक रहा है, बारिश हुई थी तो उसकी वजह से पानी ऊपर रुका हुआ होगा तो वो ऊपर से गिर रहा है। और ट्रैफिक कम है आज भी कल की तरह, शॉप्स वगैरह शोरूम्स वगैरह सब बंद हैं। इधर देखिए गुड़गांव की तरफ, ये रोड गुड़गांव जा रहा है तो इधर बिल्कुल एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। और ये वाला रोड सीधा एयरपोर्ट के लिए जाता है, लेकिन यहाँ मेट्रो का कुछ काम चल रहा है अभी, लेकिन रोड बंद नहीं है, आप जा सकते हैं। तो मैं चलता हूँ आगे की तरफ और बस अपने कलीग का वेट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से दिखाई तो दे नहीं रहा वो, क्योंकि अगर आता तो सामने खड़ा होता। ये देखिए सब एरिया जितना भी है, एरो सिटी सामने दिखाई दे रही है, मैं छत से जो चीज़ आपको दिखाता था वो यहाँ दिखाई दे रही है। वो देखिए, यहीं से सामने से होकर जाना पड़ता है T3 के लिए भी और T1 के लिए भी। चलो चलता हूँ फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ जाकर वेट करता हूँ, जब वो आएगा फिर उसके साथ निकलूँगा। चलें भाई साहब, लेट तो नहीं हो रहे? चलो जी, भाई साहब तो आ चुके हैं, अब हम इनके साथ निकलते हैं। चलो भाई अपनी जर्नी शुरू करते हैं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है इस टाइम, बारिश रात भर हुई है, बहुत अच्छी वाली ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आप सड़क के नज़ारे देख सकते हैं, सामने से फ्लाइट जा रही है। सब कुछ एकदम खाली खाली पड़ा है, पूरी रोड एकदम साफ सुथरी और ट्रैफिक मूवमेंट तो सही नहीं, जैसा कल था वैसा ही आज है। G20 का सेकंड डे है आज।
G20 की वजह से सारे रोड्स वगैरह खाली हैं एकदम, और पॉल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है। रात बारिश हुई थी, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, आसमान आप देख सकते हैं बादल ही बादल हैं। आगे रेड लाइट की वजह से थोड़ा सा ये फिर हो सकता है कोई मूवमेंट वगैरह हो, उसकी वजह से ये सब रुकी हुई है गाड़ी है। मुझे लग रहा मूवमेंट ही है कोई, क्योंकि रेड लाइट की इतनी लंबी लाइन नहीं होती यहाँ पर। ये मूवमेंट ही है, G20 का कोई मूवमेंट। चलो जी, मूवमेंट हो चला गया है G20 का और कल जो थी वो रेड लाइट दिस टाइम। चलिए जी, शिफ्ट ओवर हो चुकी है हमारी और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ महिपालपुर। और मौसम अच्छा हो रहा है, आसमान में बादल हैं और हल्की हल्की सी बूंदें आ रही हैं, मतलब बारिश स्टार्ट हो चुकी है। रात के बज रहे हैं 9:15 और वेट करता हूँ मैं अपने कलीग का, वो बाइक लेकर आ रहा है अभी। आ गया, चलो जी। फुहार भी आ रही है, जमीन पे नहीं आ रही कोई, वो उड़ रही है। क्या चीज? फुहार सी ना, बारिश की जो फुहार है। हाँ, इस टाइम तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। ऐसा हो रहा है जैसे हिल स्टेशन का। लेकिन बारिश होगी रात में। मौसम आसमान में देखो कितने बादल हैं, बैठा बैठा हो ही पड़ी पूरे में, तो बारिश तो लाजिम है होनी, वो भी रात में। हाँ, ये मोबाइल से वीडियो बनाने में बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है क्योंकि हवा की वजह से आवाज क्लियर नहीं आती। माइक्रोफोन भी लगा हो तो तब भी नहीं आने की। शुरुआत हो गई हल्की हल्की बारिश की, मुंह पे फुहार आने लगी हल्की हल्की। लो जी, रेड लाइट वाला एरिया आ चुका है और बारिश आ रही है। देखो पड़ती हुई ये सब बारिश है, बारिश की बूंदें हैं जो मेरे लेंस के ऊपर पड़ी हुई है। चलो जी, चलते हैं अब अपने। हमने राउंड टर्न ले लिया और अभी एयरो सिटी होते हुए महिपालपुर की तरफ निकलना है। G20 का दूसरा दिन है और आप यहाँ एयरो सिटी की हालात देखिए रात के। सामने वाला फोन कर देखिए,
ले लिया है हमने टर्न और आगे से राइट टर्न लेके महिपालपुर की तरफ चलते हैं। यहाँ से टर्न ले चुके हम होटल्स वगैरह सब जितने भी हैं बंद हैं और मार्केट ही पूरी बंद है यहाँ की। अभी आ चुकी है रेड लाइट और बताता हूँ यहीं ये चला जाएगा लेफ्ट साइड अपने घर की तरफ और मैं आगे की तरफ चला जाऊँगा। चल भाई निकल जाओ तू। चल ठीक है ओके कल मिलते हैं। ओके भाई सेकेंड डे ऑफ G20 और थोड़ा सा रश मुझे अभी दिखाई दे रहा है सड़क पर। कल इतना नहीं था, कल तो बसेस वगैरह चल ही नहीं रही थी इतनी, लेकिन आज हैं। सुबह में भी इतनी नहीं थी लेकिन इस टाइम मुझे दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं सामने की तरफ बस। अपना डिनर के लिए जो रेस्टोरेंट वगैरह पे देखता हूँ अगर खुले हुए होंगे तो वहाँ जाके लंच पैक कराऊँगा और फिर रूम पर जाकर ही खाऊँगा नहा धो के। और मौसम बिगड़ रहा, आप आसमान में देख सकते हैं बिल्कुल काला हो रहा है इस टाइम, तो थोड़ी बहुत देर में बारिश हो सकती है। तो मैंने अपना डिनर कर लिया है और डिनर में मैंने राजमा खाया था। आप ये देखिए सामने आसमान में बादल ही बादल हैं लेकिन बारिश नहीं हुई। जिस टाइम मैं ऑफिस से आ रहा था उस टाइम बारिश थी, तो अभी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और सामने देखिए आप चारों तरफ, इस साइड में बहुत ज़्यादा बादल हैं, काला हो रहा है। जैसे कल काला हो रहा था ऐसे ही आज फिर ऐसे ही हो रहा, तो हो सकता है रात में किसी टाइम बारिश होए। सारा का सारा एकदम ब्लैक आउट हो चुका है इधर का एरिया, आप देख सकते हैं। और एरो सिटी सामने, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा अभी। देखा मैंने आपको एरोसिटी अभी जूम कर दिखाई थी और वहाँ से एक फ़्लाइट भी जा रही थी ऊपर की तरफ। और ट्रैफिक भी इस टाइम चलना शुरू हो गया है, रात के इस टाइम 11:30 बज रहे हैं। मौसम सुहावना हो रहा है, एकदम ठंडा हो चुका है, पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है। तो चलिए मैं भी खैर लेट हो रहा हूँ क्योंकि ऑफिस से जाने के बाद खाना खा के बस ऊपर आया था। नीचे का माहौल ऐसा है कुछ बिल्डिंग के, और अभी कोई यहाँ से प्लेन वगैरह जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट ज़्यादा जाती हैं तो इस टाइम नहीं जा रही। रात के टाइम कम होती हैं, शायद दो बजे से चलनी शुरू होंगी अगर अभी आएगी कोई भी फ़्लाइट, तो 5-7 मिनट का कम से कम गैप होगा। तो अभी तो कोई मुझे दिखाई नहीं दी, बस एक जिस टाइम मैं जूम कर रहा था उस टाइम दिखाई दी थी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, करते हैं इस व्लॉग का एंड यहीं पर। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ओके बाय बाय।